तो इस पूरे हफ्ते गुजरात ने जबरदस्त आसमानी आफत झेली है, लेकिन अब गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में चक्रवात का खतरा बढ़ चुका है। असना नाम का यह समुद्री तूफान गुजरात के दक्षिणी इलाकों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि वहां पहले ही बेहिसाब बारिश के बाद हालात खराब हो चुके हैं। और इसके बाद मौसम विभाग ने कल ही चेतावनी जारी की थी कि गुजरात के सामने अरब सागर में डीप डिप्रेशन यानी कम दबाव बना है, जो सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके की ओर आगे बढ़ रहा है। इस डीप डिप्रेशन के पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और मौसम विभाग ने कल ही चेतावनी जारी की थी सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में इसके असर से कई जगह अच्छी खासी बरसात हो सकती है। और 30 अगस्त को हवा की रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, जबकि 31 अगस्त को यह रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे भी संभव है। इस दौरान उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अब देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री किनारों पर मछुआरों के लिए भी विशेष चेतावनी जारी की गई है और उन्हें समुद्र में जाने से परहेज करने की नसीहत दी गई है। इस वक्त गुजरात में मौसम का क्या हाल है, तटीय इलाकों में क्या चक्रवात का असर दिखाई पड़ने लगा है और प्रशासन ने क्या तैयारियां की है इससे निपटने के लिए, हम अपने संवाददाता से जानेंगे इस वक्त गुजरात में क्या चल रहा है। लेकिन उसके पहले असना तूफान के असर से गुजरात के कच्छ इलाके में सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो चुकी है। कच्छ के अलावा मोरबी, जामनगर, द्वारका में भी जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट पहले से जारी है। आज सुबह कच्छ के इलाके में क्या हालात थे, चलिए आपको हम दिखाते हैं। गुजरात के कच्छ में कुदरत के कहर की इन तस्वीरों को देखिए। बोलेरो कार डूबी है, ट्रैक्टर डूबा है, सड़कों पर सैलाब बह रहा है। चारों ओर खड़े वाहन डूबे हुए हैं। सड़क पर पानी की ऐसी धारा बह रही है कि चलना तो दूर, खड़ा होना मुश्किल है। इस इलाके में कम से कम 3-4 फीट पानी की धारा सड़क पर बह रही है। इसी घनघोर बारिश के बीच पुलिस प्रशासन की टीम सड़कों पर मौजूद है ताकि कोई हादसा ना हो सके। बारिश थोड़ा थमती है तो लोग अपने जरूरी कामकाज के लिए बाहर निकलने को मजबूर होते हैं। महिलाएं भी घुटनों तक पानी में आती जाती नजर आती हैं। पुलिया पर से गुजरते हुए इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि रिहायशी इलाके में बाढ़ नहीं बल्कि नदी की धाराओं के बीच रिहायश बना दी गई है। भुज कच्छ के इलाके में सुबह सुबह भारी बारिश के बाद कुछ ऐसे ही हालात नजर आए। गुजरात के कच्छ में बीते दो दिन से भारी बारिश है और भारी बारिश के चलते निचले इलाकों हैं में जलभराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। अभी हम कोठारा के मानपुरा एरिया में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जलभराव की वजह से काफी सारा इलाका है वो पानी के अंदर डूब चुका है। और ये तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं, ये पूरा अबड़ासा क्षेत्र है और अबड़ासा क्षेत्र में आपको हर जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी। लगातार भारी बारिश जारी है और भारी बारिश के चलते कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात गुजरात के कच्छ में हो चुके हैं और मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार और भी कुछ घंटे हैं वो कच्छ के लिए क्रिटिकल है। हालांकि जिस तरीके से पूरे कच्छ के अंदर बाढ़ ने तबाही का मंजर मचाया है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है और लगातार जो प्रशासन है वो निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित कर रहा है। कच्छ के इलाके में इतने घनघोर बारिश के बीच पुलिस की टीम सड़कों पर लगातार नजर आ रही है ताकि कोई हादसा ना हो पाए या मुसीबत में किसी की जान ना फंसे। पूरा कच्छ में, गुजरात में बारिश की स्थिति बहुत गंभीर स्थिति हो गई है आज। और कच्छ में मांडवी, नलिया, त्राणा और नलिया इस सब जगह पर बहुत बारिश हुआ है। आज गुजरात में सबसे ज़्यादा बारिश मांडवी में गिरी है, तो हमारी एक आर्मी की टीम वहाँ है। और कच्छ में जो दूसरा भाग है कोस्टल पूरा एरिया, वहीं भी ऐसी ही स्थिति है। आज हमने NDRF और दो और आर्मी की टीम रात को हमने मंगवाई है, कल सुबह से वो भी अपना काम में लग जाएगी।
गुजरात सरकार के मंत्री बताते हैं कि कई मोहल्लों में तो 10 फीट तक पानी भर चुका है और वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। खासकर जिन रिहायशी कॉलोनियों में पानी भरता जा रहा है, वहां रेस्क्यू टीम के लोग घर घर जाकर ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रहे हैं। हालात को देखते हुए सेना को तैयार रहने को कहा गया है, जबकि तटीय इलाकों में टीमें काम कर रही हैं। सरकार ने एसडीआरएफ की टीम को भी मोरबी से भुज के लिए मंगा लिया है। सरकार का दावा है कि बारिश का पानी कम होते ही सबसे पहले बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। कौशिक तनेजा, कच्छ आज तक। तो गुजरात में जितनी खतरनाक बारिश हुई है और जिस तरह कम वक्त में तेज बरसात के बाद हालात बने हैं, उसमें रेस्क्यू सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई जगहों पर आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन जो राहत बचाव कार्य जमीन पर चल रहा है वो भी कम मुश्किलों से भरा नहीं है। हम आपको द्वारिका के इलाके में सेना के एक ऐसे ही अभियान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये गुजरात में देवभूमि द्वारिका के रावल सिटी की तस्वीरें हैं। यहाँ रिहायशी कॉलोनियों में बाढ़ का इतना पानी घुस गया था कि राहत बचाव में सेना की टीमों को उतारना पड़ गया। सेना के जवान घर घर जाकर ऐसे लोगों को बचाने की मशक्कत कर रहे थे जिनके घरों में डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि स्थानीय रेस्क्यू टीम के साथ सेना के जवान डूबे हुए इलाके में वो रास्ते पता कर रहे हैं जिनसे होकर कॉलोनियों तक पहुंचा जा सके। ये तस्वीर देखिए, रस्सी के सहारे बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन देवदूत से कम नहीं, और इसलिए इनको देवदूत कहा ही जाता है क्योंकि अपनी जिंदगी को ये खतरे में डालकर दूसरों की जिंदगी को, हमारी जिंदगी को बचाने की कोशिश करते हैं। इसमें सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम राज्य की एजेंसियां, इसमें केंद्र की भी, सब लगे हुए हैं। अब देखिए जरा, लगातार आपको हम रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं और कई जगह बहुत नुकसान हुआ है। हर जगह लोगों को बचाने की कोशिशें शुरू हैं। बह रहे सैलाब के प्रचंड धारा के विनाशकारी असर का अंदाजा अब हम आपने आपको दिखाया है कि किस तरह से जवानों को देखकर आपने लगाया। करीब 4 फीट से ज्यादा ऊंची जल धारा किसी भी इंसान को बाहर ले जाने के लिए काफी होती है। इसके बीच बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू हुआ, ये आपको हमने दिखाया। अब जरा देखिए किस तरह से, क्या अपडेट है, क्योंकि गुजरात में इतनी कोशिश और एहतियात के बावजूद जबरदस्त बारिश के बाद पैदा हुए बाढ़ के हालात में लोगों की जान गई है। कल तक राज्य भर से मिले आंकड़ों की अगर हम बात कर लें तो सिर्फ पिछले 4 दिनों में सेना, वायुसेना, नेवी और कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर स्थानीय पुलिस जवानों की मदद से 2572 लोगों का रेस्क्यू किया गया, यानी उन्हें सुरक्षित बचाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा वडोदरा में 1294, खेड़ा में 682, जामनगर में 144, देवभूमि द्वारिका में 123, मोरबी में 79, कच्छ में 78 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। 4 दिनों में 32,933 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा वडोदरा में 11,655 है, नवसारी में 4,160 लोग हैं, खेड़ा में 3,978 लोग हैं, जामनगर में 2,373 हैं, आनंद में 1,810 लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया, उनको शिफ्ट किया गया। अब पिछले 4 दिनों में गुजरात में बारिश के बाद पैदा हुए हालात में कम से कम 32 लोगों की जान चली गई है। इसमें सबसे ज्यादा आनंद में 6, इसके बाद अहमदाबाद में 5, महीसागर में 3, जामनगर में 3, खेड़ा में 2, गांधीनगर में 2, दाहौद में 2, सुरेंद्रनगर में 2, अरवली में 1, द्वारका में 1, पंचमहल में 1, डोंग में 1, भरूच में 1, मोरबी में 1 और वडोदरा में 1 शख्स की जान जा चुकी है भयंकर सैलाब से। इसके अलावा जोरदार बारिश के बाद राज्य भर में 6,414 कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 380 कच्चे मकान पूरी तरह से ढह गए हैं, जमींदोज हो गए हैं पानी के अंदर। 289 पक्के मकानों को भी आंशिक नुकसान पहुंचा, जबकि 18 पक्के मकान भी ध्वस्त हो गए। अतुल तिवारी वडोदरा से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अतुल, क्या इलाके में अब भी बारिश हो रही है या इसका असर कुछ कम हुआ है? राज्य सरकार की तैयारी आपको किस तरह से नजर आ रही है, जमीन में या फिर पानी में कह लीजिए? देखिए, राज्य सरकार की तैयारियों की बात करें तो बीते 3 दिनों से जिस प्रकार से वडोदरा में बारिश थम चुकी थी, लेकिन फिर भी कल से राहत मिलने की शुरुआत वडोदरा वासियों को हुई है। लेकिन प्रशासन की तरफ से जब भी हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं तो सब
हर किसी में प्रशासन को लेकर आक्रोश देखने को मिलता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लगभग 22 लाख जितनी जनसंख्या वडोदरा शहर की थी और वडोदरा शहर के सब हर किसी लोगों तक मदद पहुंचाना प्रशासन के लिए काफी मुश्किल था और हर कोई प्रशासन को लेकर कहता है कि उन्हीं की लापरवाही से वडोदरा शहर पूरा जलमग्न हुआ। मेरे पीछे के दृश्य भी मैं मेरे सहयोगी साजिद जी से कहूंगा कि आपको दिखाएंगे। अहमदाबाद वडोदरा रेलवे स्टेशन के पास आया हुआ ये अंडरपास है, जहां अभी एक ही साइड जो है वो खोला जा पाया है और दूसरी साइड में अभी भी पानी भरे होने की वजह से दूसरी साइड से अभी भी कोई भी व्हीकल यहां से पास नहीं हो पा रहा है। कल ये पूरा जो अंडरपास है वो लगभग 8 फीट जितना पानी के अंदर जलमग्न था। धीरे धीरे अब पानी उतर रहा है और अब धीरे धीरे सभी मार्गों से आवाजाही जो है वो सामान्य होती हुई दिखाई भी पड़ रही है। जनजीवन फिर से एक बार पटरी ऊपर आता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से वडोदरा की बात करें, कल भी गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा की मुलाकात ली थी, यहाँ का जायजा लिया था। उसके बाद जिस प्रकार से अब कच्छ के अंदर चक्रवात का एक संकट गहरा रहा है गुजरात के ऊपर, उसका भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से निरीक्षण किया गया है गांधीनगर में बैठकर, और साथ ही में कलेक्टर को आदेश भी दिए गए हैं कच्छ के जहां जिन किसी भी निचले इलाकों के अंदर और कच्चे मकानों में जो लोग रह रहे हैं उनको सेफ जगहों पर हटाने के आदेश दिए गए हैं। आज की अगर बात की जाए तो कल तक भारतीय सेना को काफी मशक्कत, लोगों तक फूड पैकेट, पानी और जीवन जरूरी चीज वस्तुएं पहुंचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, जो कि आज से लगभग पानी धीरे धीरे अब उतर चुका है। लगभग वडोदरा के अंदर कहीं ना कहीं कुछ राहत के समाचार जरूर है, लेकिन जहां पे भी पानी उतरा है चारों तरफ गंदगी और कचरा ही देखने को मिल रहा है। वडोदरा की बात करें तो 1200 लोगों को अब तक सेना और पुलिस, चाहे SDRF हो NDRF की टुकड़ियों की तरफ से रेस्क्यू किया गया। 12,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाया गया है। गुजरात में जो बीते दिनों में बारिश हुई है उसमें 32 लोगों की मौत भी हो गई है। प्रशासन अपने अलग अलग दावे कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से बीमारी ना फैले इसका भी प्रशासन की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है, जिसके चलते गुजरात में 35 जितनी अतुल डॉक्टर नजर बनाकर रखिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे और भी विस्तृत जानकारी के लिए। अपूर्वा जयचंद्रन इस वक्त हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। अपूर्वा, आप क्या जानकारी देंगी दर्शकों को, किस तरह से तैयारी है और कितनी परेशानी में लोग हैं? अभी तो जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा डीप डिप्रेशन है जो गुजरात के ऊपर आया है और कई सारे आसपास के स्टेट्स पे भी इसका असर पड़ रहा है। हम देख सकते हैं कई सारे जगहों पे हैवी रेन्स भी हो रहा है और इस डिप्रेशन के कारण ये हमें बताई जा रही है कि जिस तरह से कई सारे लोग भी फंस चुके हैं वाटर इनंडेशन में और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी है कई सारी जगहों पे। हमें ये भी पता चल रहा है कि फिलहाल के लिए जो रेनफॉल है वो लगातार जारी ही रहेगा और लगभग 24 to 48 hours तक इसका जो असर है वो असर बढ़ता ही जाएगा, यही समाचार हमें मिल रहा है। ठीक है पूर्वा, आप नजर बनाकर रखिएगा। हमारे दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद।